फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो है कि फ्रेंच बन कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि मैंने कैसे फ्रेंच बन बनाया है। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को कॉम कर लिया है। इस तरह से हमें अपने बालों को अच्छे से कंघी कर लेनी है। उसके बाद एक रबड़ बैंड लगा लेना है बालों में, अच्छे से टाइट करके इस तरह से बालों को टाइट कर लेना है रबड़ बैंड से। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये एक डोनट बन लिया है, और ये डोनट बन मैंने वेस्ट सॉक्स जो हो जाती है लूज, उसको आगे से काट के उसको फोल्ड करके ये बन तैयार किया है मैंने। तो ये बन मैंने यहाँ पे लगा लिया है डोनट बन, और इसको मैंने सिक्योर कर दिया है यू पिन से इस तरह से, ताकि ये हमारा निकले ना यहाँ से। और अब बालों को हम इस साइड में करके अच्छे से कॉम करके, और एक और रबड़ बैंड लगा लेना है बन का और ये बालों के साथ में। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये रबड़ बैंड लगा लिया है, और अब जो ये बचे हुए बाल हैं इनको इसको इसके ऊपर से मुझे कवर करना है। तो ये जो बचे गए हैं बाल, इनको मैं इस बन को कवर कर दूँगी इस तरह से फोल्ड करके। तो पूरा हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना, अच्छे से बालों को सेट कर लेना है। तो ये फ्रेंच बन की शेप में आ गया है। तो अब मैं जो ये बच गए हैं बाल, इनको रोल करके इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे यू पिन से इसको सिक्योर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं यू पिन लगा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैं यू पिन लगा दिया है, और अब ये यहाँ से बाल निकलेंगे भी नहीं। ये फ्रेंच बन बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमें एक दो यू पिन्स और लगा लेनी है। देखने में भी अच्छा लग रहा है फ्रेंच बन, और बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फैंसी पिन से इसको डेकोरेट किया है। अगर आपको भी इसको और अच्छे से दिखाना है तो आप भी यहाँ पे फैंसी पिन का इस्तेमाल कर सकती हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो देखिए, कहीं भी अगर आपको फंक्शन में जाना है तो आप भी इस तरह से आप खुद से फ्रेंच बन बना सकती हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक।